हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे टिप्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। और वीडियो को पूरा देखें, कोई ना कोई टिप आपको जरूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहली टिप है फ्रेंड्स मेरी कार्डबोर्ड को लेके, और जो हमारे शूज के डब्बे आते हैं या फिर आप कोई भी नॉर्मल कार्डबोर्ड ले सकते हैं, जो भी किस तरह का डब्बा हो आपके पास उसको ले लें। और इसके ऊपर आप चाहें तो इस तरीके से पेपर चिपका लें, और यहाँ या फिर आपके पास पेपर नहीं है तो आप कपड़े को भी चिपका सकते हैं इसमें। ये पेपर है शूज़ के डब्बे में ही आया था साथ में, तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने इसी को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है इस तरीके से ग्लू लगा के। और बस हमें, मैं नीचे की साइड से नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे अंदर भी इसको यूज़ करना है, इसीलिए नीचे से मैंने नहीं लगाया इसको। और बस ऊपर की तरफ से जहाँ जहाँ से दिख रहा है वहाँ वहाँ से मैंने इसको स्टिक कर दिया है पेपर से। और इस तरीके के और भी कार्डबोर्ड्स थे मेरे पास छोटे छोटे, और ये ना बहुत ही अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी एकदम थिक है और स्टेबल लगते हैं मुझे, तो मैंने सोचा इसका यूज़ किया जाए। तो इसको देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है छोटे वाले कार्डबोर्ड को, और इसको हम बॉक्स जैसा बनाएंगे इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा को जो भी है मैं कट कर दूंगी और इसको स्क्वायर में मैं बना दूंगी इस तरीके से, और ग्लू से साइड के जो पार्ट्स हैं उसको चिपका देंगे इस तरीके से, देखिए। और इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखें तो अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद इसी माप से मैंने सब पेपर कट करके सब जगह से लगा दिया इसको, तो देखिए इसका सेट बन गया ये। और उसके बाद में जो प्लास्टिक के डब्बे जाते हैं हमारे खाने के, उसी को भी मैंने इसके साइज में अरेंज कर दिया है। तो मैं सेट करके देख रही हूँ कौन सा बैठ रहा है, उस हिसाब से मैं बिठा रही हूँ। तो ये दोनों परफेक्टली बैठ गए थे तो मैंने ये बिठा दिए हैं। तो इस तरीके के डब्बों का भी आपका यूज़ हो जाता है। और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था फ्रेंड्स ऐसे डब्बों को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारा हो गया रेडी, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। और अगर आप इसको और भी अच्छा लुक देना चाहते हैं इस तरीके का, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट टिप्स है मेरी फ्रेंड टी शर्ट्स को लेके, जो टी शर्ट्स होती हैं पुरानी या फिर लेगिंग्स को आप इस तरीके से कट कर लें पहले डोरियों में, और उसके बाद इसकी चोटी बांध दें इस तरीके से। और एंड में आपको जॉइंट देखिए कैसे लगाना है, आपको सिलाई नहीं करनी है, ऐसे कट लगा देना है दोनों में, और इसके अंदर से डाल के और ऐसे हमको घुमा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमारा जॉइंट लग जाएगा, और इसको ऐसे ही कंटिन्यू हम बुनते रहेंगे और इसको चोटी को लंबा करेंगे। तो देखिए दूसरी बार और एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से दोनों में हमें कट लगाना है, और जिसे हमें जॉइंट करना है उसको हम अंदर डालेंगे और उसके फिर अंदर से इस तरीके से घुमा के ले लेंगे। तो देखिए ये नॉट लग गई हमारी, और अब हम इस तरीके से गो के चोटी बना लेंगे। तो इस तरीके की चोटी को आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, साड़ी कपड़े किसी से भी बना सकते हैं, जो भी कपड़ा आपके पास अच्छा लग रहा हो उसी से बना लें डिज़ाइन वाला। और इसको आप ऐसे डोरी की जैसे भी यूज़ कर सकते हैं कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, बहुत तरीके से यूज़ हो जाती है और मजबूत भी रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके लिए, यहाँ पे तो मैं अलग ही यूज़ कर रही हूँ इसका मैं ना ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे चोटी वाला ऑर्गेनाइज़र है ना बहुत ही सुंदर लगता है देखने में भी लुक वाइज। तो बस उसको पहले मैंने छोटा सा स्टिक कर दिया है, ये थोड़ी देर के लिए ही स्टिक किया है, हमेशा नहीं रहेगा, इसको हमें स्टिच करना है यहाँ पर। बट थोड़ी देर के लिए हम इसे घुमाने के लिए खाली मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया इसको, और उसके बाद सुई से मैं इसे सिल दूँगी इस तरीके से। तो ये मैंने ऑलरेडी भी बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरीके का, तो हमें इस सुई धागे से ही सिल जाता है। और इसके अंदर जो मैंने लगाया है प्लास्टिक का, वो उसमें सुई घुस जाती है इजीली। तो इस तरीके के जो खाने के डब्बे आते हैं ना, जो प्लास्टिक उसकी थोड़ी सी पतली होती है, उसमें आप इस तरीके से बिठा के इसे सिल सकते हैं। और आप चाहें तो इसे डेकोरेशन के लिए कुछ भी ऊपर से लगा सकते हैं, या फिर आप कलर कर लें इसको अंदर से। तो ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो गया है, और टेबल में साइड पे आप रखेंगे तो देखिए इसका लुक भी अच्छा आता है। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स मेरी सॉक्स को लेके, जो सॉक्स फटे हुए निकलते हैं हमारे घर में इस तरीके के, या फिर डल हो जाते हैं, इलास्टिक ख़राब हो जाती है, उन सॉक्स का पहले भी मैंने काफ़ी सारा यूज़ बताया हुआ है, वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें जाके मेरे चैनल पर। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का मेरे पास बॉक्स था, बॉक्स तो नहीं बोलते हैं इसको, डब्बा था, डब्बा को मैंने सॉक्स के अंदर डाल दिया है इस तरीके से, और फिर जो कार्डबोर्ड था उसको कट करके इसके साइज़ का इसके अंदर डाल दिया, तो ये सेट हो गया अच्छे से। और इस तरीके से देखिए आपका पेन होल्डर या फिर मेकअप का कुछ सामान, दवाई वगैरह कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए इसका लुक भी कितना अच्छा लगता है, तो ये कवर हो जाता है इस तरीके से। और मैंने काफ़ी सारे बना रखे हैं, देखिए यहाँ पर मैं दवाइयाँ भी रखती हूँ इसके अंदर। तो इस तरीके से जो हमारे जो वेस्ट होते हैं प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे, आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनके और भी ज़्यादा यूज़ बताए मैंने अपने लास्ट वीडियो में, उनका लिंक में डाल दूँगी फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो देखिए सब सामान ऑर्गेनाइज रहता है इस तरीके से। और ये देखिए और एक मैं आपको यूज़ बता रही हूँ इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बों का, तो जो महिलाएं सिलाई करती हैं उसमें सिलाई का सामान भी रख सकती हैं, और रील्स जो होती हैं उनको भी खड़ी करके रख सकती हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको यूज़ में ज़रूर लें। तो इसमें देखिए मैं अपना सिलाई का सामान रखती हूँ, जो छोटे मोटे सामान होते हैं इस तरीके से,
तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं या फिर किचन फ्रिज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मिर्ची वगैरह रखने, मिर्ची धनिया वगैरह रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिलाई का सामान रखती हूँ, पहले मैं ऐसे डब्बे खरीदती थी, अब मैं थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।